बहुत कुछ अचीव हुआ है हमें इससे। अच्छा, इसके आने से एक अलग ही बरकत, अल्लाह ताला की तरफ से एक अलग ही बरकत आई है। अच्छा, जो हमारे को हर चीज़ में, जो चीज़ में हाथ डालते कामयाबी हासिल होती है। घोड़ों के आने से, घोड़ों के आने से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कोई केयर टेकर नहीं, ऐसी दिक्कत आती है घोड़े को तो सबके सब फोन करता है, अरे घोड़े को ये हो गया, अरे इसको ये हो गया, ये दवा दो, ये दवा। तो मतलब ये प्यार जो दोस्ती वाले घोड़े हैं, दोस्ती वाले। तो मॉर्निंग में ऐसा रूटीन होता है कि कभी ये ऑफिस जाने से पहले आता है, ये कुट्टी कर देगा, खरारा कर देगा, मैं ऑफिस जाने से पहले आऊँ, मैं जाके घोड़ों को देखो, पानी दूँ, ये तो वो सिलसिला दिन भर चलता है। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूँ सारनखेड़ा में, जहाँ पर चेतक फेस्टिवल चल रहा है 2022, और अब मैं मिलवाने जा रहा हूँ माजिद भाई से, जो आए हैं नासिक से, और अपने साथ एक घोड़ा लेके आए हैं बड़ा शानदार, जिसका नाम है बुर्राख, और जो दूसरा घोड़ा है उसका नाम है नवाब। माजिद भाई से जब मेरी बात हुई तो माजिद भाई कहने लगे कि मेरी तो दुनिया ही बदल गई जब से मेरे पास घोड़े आए हैं। तो चलिए, ऐसा क्या हुआ है उनकी लाइफ में जान लेते हैं। और ये सारी जो टीम दिख रही है, कोई सीए है, कोई एमबीए है। चलिए आइए बात करते हैं माजिद भाई से। माजिद भाई कैसे हो? बस दुआ आतिफ भाई, आप सब बढ़िया है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। धूप कैसी है? बहुत तेज है। बहुत तेज है, बहुत तेज धूप। तो आपका ये कहाँ पर पड़ता है? पूरा एक एड्रेस बताएं, फार्म का नाम बताएं। फार्म का नाम है एनवीटी स्टड फार्म जी। ये पड़ता है नासिक में, दौर का सर्कल के नियर अबाउट। दौर का सर्कल ही है। अच्छा, दौर का सर्कल से आधा किलोमीटर दूर। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आए हुए? अभी हमारे को 4 दिन हुए। 4 दिन से आप मजे ले रहे हैं, मिले गए हैं। तो इसके बारे में बताइए, घोड़ा तो बड़ा अच्छा है, इसका नाम बुर्राख है। नाम बुर्राख है जी, और ये हाथी घोड़े का बच्चा है। हाथी घोड़े का बच्चा है, और इसकी उम्र अभी 3 साल है। 3 साल है, और हाइट 65+ है। 65+ है 3 साल में, और हाथी का बच्चा है। हाथी की तो हाइट 70 इंच थी, वही हाथी ना, 70 इंच वाला। हाँ, और घोड़ा आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है। तो ये आपके पास कितना टाइम हो गया इसको माजिद भाई? हमारे पास में इसको 1.5 साल हुआ। 1.5 साल, 1.5 साल से ये आपके पास है। और आपने बताइए 3 साल एज है, और कितनी हाइट कितनी बताइए? 65+ 65+। तो ब्रीडिंग वगैरह भी स्टार्ट की इससे? 2-3 घोड़ी मीट की है अभी हमने। तो अभी तो रिजल्ट तो आया नहीं, आया नहीं है अभी। हाँ, तो आप इसको शो के लिए लाए हैं कि सेल के लिए लाए हैं? इसको सेल के लिए लाया। अच्छा, सेल के लिए लाए हैं। तो ऐसे घोड़े को क्यों माजिद भाई बेच रहे हो? मत बेचो, रख लो इसको। ये कुछ सेल करेंगे तो इसकी जगह पे कुछ नया ही चीज और लाएंगे मार्केट में। अच्छा, और वैरायटी भी आएंगी। तो इसमें भी तो वैरायटी है, ऐसा नहीं है, हल्की सी फुलकारी है। और कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। और बात ये करें कि भाई हाथी की जो लाइन है वो अपने आप में एक ज़बरदस्त घोड़ा है वो भी। तो अभी कुछ क्या सोचा है, क्या डिमांड के बारे में क्या है आपका? ये फ़ोन पे ही बताएंगे। फ़ोन पे बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। सबको पता चल जाएगा कितने का हम बेचोगे। तो आप देख सकते हैं बुर्राख है ये घोड़ा, जिसकी हाइट भाई बता रहे हैं 65+ और 3 साल की उम्र है, और ये हाथी घोड़े का बच्चा है। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। माजिद भाई छांट के लाए हुए हैं। हाँ। इसका नाम है? इसका नाम नवाब है। नवाब लग भी रहा है, नवाबियत झलक रही है उसके। इसकी एज क्या है? ये अभी 17 महीने का बच्चा है। 17 महीने का। और हाइट की बात करें तो क्या हाइट क्या है? ये 60+ है। 60 अराउंड 60 है। अच्छा, तो क्या लगता है कितनी हाइट जाएगी इसकी? ये 65-66 के लगभग जाएंगे। तो इसकी कोई लाइन से है ये भी क्या? ये तो अभी हमने 3 महीना पहले परचेज किया। अच्छा, उन्होंने। अच्छा, हमने हमारे जिससे लिए थे उन्होंने लाइन बताई थी। हाँ, पर अभी तो हमारे लिए तो हमने अननोन समझ के ही रखा हुआ है। अच्छा, बस प्यार से रखते हैं बच्चों को। नहीं, प्यार से रखना भी चाहिए। और आप ये बता रहे हैं कि ये अननोन है। हाँ, लाइन नहीं। कलर कौन से, किस में आएगा ये? ये जो है चंबा कलर है। चंबे में ही आएगा ना ये। तो ये आपके पास कितना महीने हो गए लाए हुए? इसको 3 महीने हुआ लाए हुए। तो ये कहाँ से लाए थे आप? ये हमारे एक दोस्त है पंजाब में। अच्छा, वो मुक्सर साइड से है। अच्छा, ये भी मुक्सर वहाँ से ही भेजा है। और ये वाला दूसरा वाला? ये भी मुक्सर साइड। अच्छा, से मुक्सर से लिया। तो ये शौक कैसे लग गया आपको? ये जो हम पहले हमारे दोस्त लोगों के पास। पहले एक बार इसके रेट के बारे में जान लेते हैं। इसके भी फोन पे ही बताएंगे, इसके ही फोन पे ही बताएंगे। इसके हाइट आपने बताई है, एक बार मैं फिर बता दूं व्यूअर्स को, आपने हाइट बताई है 60 के आसपास। हाँ। और एज बताई है आपने इसकी 17 महीने। 17 महीने। चलिए अब जानते हैं कि ये बताइए कि शौक लगा कहाँ से? ये हमारे दोस्त लोगों के पास में कुछ घोड़े थे। दोस्त तो यही तो नहीं है सारे? सब है और कुछ साइड में है, वो उनके पास में थे। अच्छा। उसके ऊपर राइडिंग वगैरह करते थे हम लोग। धीरे धीरे वो शौक बढ़ता गया, इस वजह से हमने थोड़ा। आप बता रहे थे बकरे भी हैं? बकरे भी है हमारे पास। अच्छा। बकरे भी हमारे को, बकरों का भी काफी शौक है। भैंसों का तबेला है तो उसके अंदर सब हो जाता है, हो जाता है। हाँ। घोड़े आए आपकी लाइफ में, क्या चेंज आया उससे? बहुत कुछ अचीव हुआ है हमें इससे। अच्छा। इसके आने से एक अलग ही बरकत, अल्लाह ताला की तरफ से एक अलग ही बरकत आई है। अच्छा। जो हमारे को हर चीज़ में, जो चीज़ में हाथ डालते कामयाबी हासिल होती है, घोड़ों के आने से। घोड़ों के आने से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कुछ इनके आने से बरकत ही मिली है हमें, बरकत ही मिली है। ये वैसे भी किस्मत है कि पाल रहे हैं हम लोग, ये तो नबियों और गुरुओं की सवारी, भगवानों की सवारी है बस। तो घर पे सबको शौक आ गया है? हाँ, सबको शौक है। तो कैसे ये शौक कैसे डाला? आपको तो लगा था, चलो। हाँ। आपको तो कहीं से उड़ता हुआ आया और चिपक गया। अब घर वालों को समझाना फिर तो अभी जैसा पहले एक हमारे पास में मैर है जो यहाँ पर नहीं है अभी, वो मैर खरीदी थी हमने। अच्छा। वो अभी हमारे फार्म पर ही है। हाँ हाँ। फार्म के ऊपर है, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे मैर आई, फिर वो धीरे धीरे घर वालों को उससे लगा हुआ, फिर सबको शौक। ये आपने धीरे से कहा कि छोड़ दो अभी, एक मैर लेके बाद में पाल लेंगे। तो अब सभी को है? हाँ, सभी को है ना। तो राइडिंग वगैरह करते हैं? राइडिंग वगैरह चालू। ये करता है राइडिंग? राइडिंग का चालू। अच्छा, ये राइडिंग करता है। और लाइन वाले घोड़े, हाइट वाले राइडिंग करे तो बड़ा मजा भी आता है, ऊंचे ऊंचे बैठ के। आतिफ भाई, शौक का ऐसा है कि जो पहले मेर ली थी माजिद भाई ने। हाँ। अभी ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। हाँ। ठीक है। आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम है फरान पटेल, मैं इनका बचपन का दोस्त हूँ। अच्छा, बचपन के? हाँ जी। हम एक एरिया में रहते हैं, एक एरिया में हम साथ में पले बड़े। सारे दोस्त आए एक साथ खड़े हो जाए जरा, दोस्त, सारे दोस्तों की जो मंडली आ गई है। नहीं यार, दोस्त सारे पहुंचे, देख लीजिए। तो सारे का शौक था। हाँ। अभी इसने घोड़ी ली। हाँ। ये घोड़ी ली, इसने सेवा सब करते थे। हाँ। खुरारा कर रहा है। हाँ। तो कुट्टी बना रहा है। अच्छा। मतलब एक घोड़ी की वजह से सबको शौक लग गया। एक बार हमारा ऐसा हुआ लॉकडाउन के बाद में, हमें घोड़ी चेक करानी थी। हाँ। अब जब हम घोड़ी चेक कराने गए, उसके साथ में 5 गाड़ियाँ थी। अच्छा। सब लोग डरे थे। तो वहाँ पे जो हमारे सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ के लोग डर गए क्या कुछ सीन तो नहीं हो गया भाई। तो हमने बोला नहीं, ये घोड़ी हमारी। तो बोले इतने शौकीन लोग, हमने बोला एक घोड़ी के साथ कितने लोग पहुँच गए? 5 गाड़ी भर के लोग थे, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे समझो 12-13 लोग गए रहे एक घोड़ी के साथ। इतना प्यार। तो मॉर्निंग में ऐसा रूटीन होता है कि कभी ये ऑफिस जाने से पहले आता है, ये कुट्टी कर देगा, खरारा कर देगा, मैं ऑफिस जाने से पहले आऊँ, मैं जाके घोड़ों को देखो, पानी दूं। हाँ, हाँ। तो वो सिलसिला दिन भर चलते रहता है। घोड़े के पास में मतलब मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर रात में 12 बजे तक सारे लोग मिलेंगे आपको। अच्छा, तो ये है कि ये दोस्त हैं, ये समझ लो कि सारे दोस्त आपस में ही पाल दे रहे हैं घोड़ा घोड़ी है, कोई केयरटेकर नहीं। ऐसी दिक्कत आती है घोड़े को तो सबके सब फोन करता है, अरे घोड़े को ये हो गया, अरे इसको ये हो गया, ये दवा दो, ये दवा। तो मतलब ये प्यार जो दोस्ती वाले घोड़े है। दोस्ती वाले नहीं नहीं भाई, ये तो यही है कि इस जानवर से अगर जितना प्यार करोगे बदले में मिलता है, बहुत मिलता है। तो माजिद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सबसे बात करके। उम्मीद यही करते हैं कि जैसे शौक कर रहे हैं, शौक बना रहे और बढ़े, बकरे भी बढ़े, और भी जो जो करना है आपको कर डालो, बस यही मौका चल रहा है बस। अच्छा लगा आतिफ भाई, आप आए, हमने वीडियो आपकी वीडियो देख के, एक्चुअली शौक जो बड़ा है वो यूट्यूब की वजह से ही बढ़ा। भाई गुनहगार मत बनाओ मुझे। जो शौक लगा है वो आपके देख के लगा है। यूट्यूब मालूमात जो हमें जो प्रोवाइड हुई है वो आप ही के भाई लोगों के चैनल की वजह से, आपके चैनल के माध्यम से हमें बहुत सारी मालूमात मिली कि कौन सी चीज किधर परचेस करना चाहिए और कहाँ पे क्या मिलता है, वो आप लोगों से ही मालूम पड़ता जी, कौन सी लाइन से कुछ। हम ये तो बहुत अच्छी चीजें है कि आप लोगों ने हमें समझाने के लिए ये एक माध्यम चुना है, जरिया हो जाते हैं बस, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। हाँ। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। बस बस बस, फॉलोअर आपके जल्दी हो जाए इंशाल्लाह ताला। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।